नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज विद नीरज पे। मैं नीरज गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, यूपी टेट 2018 की परीक्षा जो 18 नवंबर को प्रस्तावित है, टोटल 5 सेक्शन में से एक सेक्शन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसमें से भी हमने पेपर जब उसमें देखा है तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन से, बाकी नेशनल पार्क, नेशनल और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बाकी दिवस हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स है तो इससे आपको प्रश्न, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए, यूपी टेट में बायोडाइवर्सिटी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम जान जाते हैं कि व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता है क्या। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली पालतू जीव जंतुओं, पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। यानी कि पादपों की बहुलता हो जहाँ पर, जिस क्षेत्र में, और जीव जंतुओं की बहुलता हो, ठीक है, जंगली जीव जंतुओं या पालतू जीव जंतुओं की क्या हो, बहुलता हो, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को हम बायोडाइवर्सिटी घोषित कर देते हैं। ये प्रश्न देखिए अक्सर पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये 1985 में जो है, तो ये 1985 में वाल्टर जी रोसेन थे, ठीक है, वाल्टर जी रोसेन ने जो है इस शब्द का प्रयोग किया था, जैव विविधता। लेकिन संकल्पनात्मक रूप से देखा जाए तो पहली बार इसका प्रयोग ईओ विल्सन ने किया था, ठीक है, विल्सन के द्वारा किया गया। हालांकि वाल्टर जी रोसेन डायरेक्टली आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। जैव विविधता, अगर ये देखिए, बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 में रेमंड एफ दाशमान के द्वारा किया गया था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी विषुवत रेखीय प्रदेश, इसे हम विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहते हैं। तो दोनों एक ही नाम है, तो आप दो जो भी ऑप्शन में रहेगा तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगला ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैव विविधता का भंडार सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता का भंडार सबसे अधिक पाया जाता है, और ये भूमध्य रेखीय प्रदेश के आसपास ही बनते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन सा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, जो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में। और देखिए, एक सार्गेसम नामक विशिष्ट प्रकार की घास है जो सार्गेसो सागर में पाई जाती है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम सार्गेसो सागर रख दिया गया है सार्गेसम के कारण। और सार्गेसो सागर कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। एक फैक्ट ये है कि लक्षद्वीप समूह जो है कोरल मूंगा द्वीप है, ठीक है, कोरल रीफ, पूरे कोरल रीफ पर ही लक्षद्वीप क्या हुआ है, बसा हुआ। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि कोरल जो मूंगा होता है वो किस संघ का, फाइलम का जीव है। तो ये सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं, ठीक है। भारत में पारिस्थितिक उष्ण स्थल पश्चिमी घाट को कहा जाता है। सर्वाधिक उष्ण स्थल, पारिस्थितिक उष्ण स्थल किसको कहा जाता है, पश्चिमी घाट को। प्रवाल क्या होता है आखिर में, प्रवाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मुख्य रूप से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रवाल होता है, यानी कि कोरल रीफ की बात हो रही है। संसार में ब्राज़ील देश जो है वनों के सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाए, अगर पूछा जाए किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो ब्राज़ील में पाई जाती है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे अमेजन बेसिन पाया जाता है, जो सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन बेसिन में ही पाई जाती है। IUCN है, अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव भारत में पाए जाते हैं। IUCN ने ऐसी रिपोर्ट निकाली थी कि सर्वाधिक संकटापन्न जीव कहाँ पर है, भारत में है, ठीक है। जैव विविधता कब प्रभावी हुआ था, बायोडाइवर्सिटी 29 दिसंबर 1993 प्रभावित हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया, 11 दिसंबर 2002 को पारित किया। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ यह प्रश्न, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैव विविधता प्रभावी 29 दिसंबर 1993 में, और इसीलिए 29 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। हम देखिए राष्ट्रीय वर्ड का यूज कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को जबकि मनाया जाता है। और यहाँ पर जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। जैव विविधता ह्रास का सबसे प्रमुख कारण क्या है, प्राकृतिक आवासों का विनाश। सीधे सीधे ऑप्शन में आपको मिले, प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण जैव विविधता ह्रास हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। हॉट स्पॉट से बहुत प्रश्न पूछते हैं कि हॉट स्पॉट है क्या। तो देखिए, हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश पारिस्थितिकविद थे नॉर्मन मारियस ने 1988 में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था।
प्रयोग किया था। विश्व में कुल पहले 35 थे, अभी हाल ही में एक और घोषित किया गया, तो टोटल 36 हॉटस्पॉट हो गए हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जिसमें से चार जो है आपका भारत में है। 36वां देखिए घोषित किया गया था उत्तरी अमेरिका का तटीय मैदान, ये हालांकि आपको नहीं इतना स्टडी करना, टोटल 36 हॉटस्पॉट है, आपको इतना याद रखना है। भारत में कितने हैं, चार हैं, कौन कौन, हिमालयन क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, सुंडालैंड। इंडो वर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा, इंडो वर्मा क्षेत्र में अंडमान निकोबार भी शामिल हो जाएगा। तो ये चार क्षेत्र आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, हिमालयन क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, सुंडालैंड, ये क्या है, हॉटस्पॉट है इंडिया में। पश्चिमी घाट में ये देखिए फैक्ट हमने बता दिया, सबसे अधिक सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है भारत में। सर्वाधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वर्षावन पाए जाते हैं, ठीक है, और श्रीलंका क्षेत्र में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। 2013 में सुंडालैंड को हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। अब पश्चिमी घाट के बारे में डिटेल में जान जाते हैं। पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध बताई दी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है, सेकंड नंबर पे दोदाबेट्टा आ जाती है। पश्चिमी घाट में जो चट्टान पाया जाता है वो बेसाल्ट और लैटराइट होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्थानीय रूप से पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत चोटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है पश्चिमी घाट में ही आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है, केरल में। किस भाग में है ये, पश्चिमी घाट में है। 2012 में पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल में, देखिए यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल जारी किया जाता है, तो उसमें जो है पश्चिमी घाट को शामिल किया गया 2012 में, ठीक है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए दो समिति गठित की गई थी, गाडगिल समिति, कस्तूरी रंगा समिति थी। ये दोनों फैक्ट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। कुछ हम फैक्ट जान जाते हैं कि भारत में जैव विविधता द्वार की उपमा किसको दी जाती है, तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको जैव विविधता के द्वार की उपमा दी जाती है। डोडो पक्षी कहाँ का है, मॉरिशस का। ये देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, ये विलुप्त जीव हो गए हैं, इसलिए ये प्रश्न पूछा कि डोडो पक्षी कहाँ का है, मॉरिशस का। लाल पांडा जिसे रेड पांडा कहते हैं वो चाइना का है, ठीक है। टोटल विश्व में जैव विविधता बताई दी, टोटल 36 है, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे जगह सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो मन्नार की खाड़ी है। नवीनतम हॉटस्पॉट क्या है, सुंडालैंड है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नीलगिरी 1986 में से घोषित किया गया था। कल्पवृक्ष, ये सब फैक्ट है आपको दिमाग में बस रखना है। कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है, नारियल को कहा जाता है। बांस क्या है, बांस एक वृक्ष है। देखिए बांस क्या है, बांस एक घास है, अभी पहले वृक्ष घोषित किया गया था, इसे हटा करके संशोधन ला करके इसे घास घोषित कर दिया गया है। सबसे पुराना अनाज क्या है, जौ है। थामिन मृग कहाँ पाया जाता है, मणिपुर के लोकटक झील में, केबू लमजाओ नेशनल पार्क में, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है वहीं पर थामिन मृग पाए जाते हैं। तो ये टोटल पश्चिमी घाट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब आते हैं आगे IUCN पे, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, बहुत प्रश्न इससे पूछता है। ये रेड लिस्ट जारी करती है, ठीक है। वैसे IUCN की जो स्थापना की गई थी वो 1948 में की गई थी, मार्गस स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ये 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। इस ये टोटल कितने वर्ग जारी करता है, 9 वर्ग, बस आपको ये याद रखना है। टोटल कौन कौन से वर्ग है ये आपको याद नहीं रखना, बस 9 वर्ग ये जारी करते हैं IUCN। उसमें कई कई चीज़ें हैं। तो विलुप्त प्रजातियां किसे कहा कही जाती हैं, वे प्रजातियां जो 50 वर्षों से न देखी गई हों तो उसे विलुप्त प्रजाति एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है। जैसे डायनासोर है, लाल पांडा है, डोडो है, ये सभी क्या हैं, विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जैव विविधता ह्रास के कारण है, तो ये आवासों का विनाश हम बता दिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कि आवासों का विनाश के कारण ही बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है, ह्रास होता है। अब देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए आपको दो टाइप से संरक्षित किए जाते हैं, एक होता है प्राकृतिक रूप से नेचुरल, एक होता है कि आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम रूप से। इन सीटू प्राकृतिक रूप से जो संरक्षित होते हैं इन सीटू कहते हैं, एक सीटू यानी कि जो कृत्रिम रूप से संरक्षित किए जाते हैं। तो इसमें देखिए इन सीटू यानी जो जहाँ पर प्रजातियों की बहुलता है, जहाँ पर जीव जंगली जंतु जानवर जो भी हैं उनको घोषित किया जाता है, प्राकृतिक रूप से घोषित कर दिया जाता है, उसे कवर करके घोषित कर दिया जाता है, तो वो उसे इन सीटू कहा जाता है। स्वस्थाने एक सीटू यानी कि जहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है आर्टिफिशियल रूप से, उसे वाह स्थानीय आई एक सीटू कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछेगा, तो इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल फॉरेस्ट है, तो ये नेचुरल फॉरेस्ट है। तो ये टोटल क्या क्या है, ये सब इन सीटू है। एक सीटू की अगर बात करें, द्रवित नाइट्रोजन का गैस का प्रयोग करके इसको संरक्षित किया जाता है, जिसमें बॉटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, जीन बैंक, जू, सेरीकल्चर, स्टेम सेल्स, ये सभी जितने भी आर्टिफिशियल रूप से संरक्षित किए जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, एक सीटू में आ जाएंगे।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं नेशनल पार्क पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पक्का बनेंगे नेशनल पार्क से। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1972 ईस्वी में। तो पहला ये हो गया आपका। दूसरा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया, जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो पहला यही था, इसका पुराना नाम हैली था, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में, वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि नेशनल पार्क की बात हो रही है यहाँ पर। और सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी होगा। तो साउथ बटन द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये देखिए हम बताए थे लोकटक झील में पाया जाता है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क उद्यान है, कहाँ पर है, मणिपुर में, केबू लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना, जिसमें थामिन मृग पाई जाती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, गिर यानी कि गुजरात में है, और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सीधे सीधे बताएंगे एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। जलदपारा जो कि वेस्ट बंगाल में, काजीरंगा असम, ये दोनों एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा असम में। सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय पार्क में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पर है, MP मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ये देखिए डाचीगाम है जम्मू कश्मीर, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कश्मीरी स्टैग हांगुल पाया जाता है। ये देखिए PCS 2018 प्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न सीधे सीधे यहाँ पूछा गया था कि डाचीगाम जम्मू कश्मीर में क्या कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो कश्मीरी स्टैग हांगुल है, कस्तूरी मृग नहीं, कश्मीरी स्टैग हांगुल पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। इसे 1968 में वन्य जीव भारत, 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद नहीं रखना, ये याद रखना एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का कौन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है, लखीमपुर खीरी में। तो ये टोटल नेशनल पार्क से इतने प्रश्न आपको बनेंगे, कौन कौन से नेशनल पार्क कहां स्थित है, इस पर हम एक वीडियो आपको छोटा सा प्रोवाइड करा देंगे। अगला प्रश्न इसमें अगला है टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण, ठीक है। इसमें वन्य जीवों को और पौधों को संरक्षित किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है राज्य सरकार वन्य जीव अभ्यारण घोषित करती है, जबकि नेशनल पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करती है। वर्तमान में कुल 532 वन्य जीव अभ्यारण है, कितने हैं टोटल, 532। कुछ फैक्ट जान जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान टोटल वर्तमान में कितने हैं इंडिया में, 105 है। कुल बायोस्फीयर रिजर्व ऑल इंडिया में कितने हैं, 18 है बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपको पूरा याद करना है यहाँ पर। यूनेस्को की सूची में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है, हालांकि पहले 10 थे, अभी 11वां कंचनजंगा को शामिल किया गया, तो 11 टोटल हो गए हैं यूनेस्को की सूची में। अगला इसमें कि भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मेराइन नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया, मेराइन नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में जो है मेराइन नेशनल पार्क है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, विश्व को टोटल कितने हॉट स्पॉट है, टोटल 50 हॉट स्पॉट है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बायोस्फीयर रिजर्व में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बारे में इससे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न बहुत बनेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आपको, तो इसको लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम जो है इस पर अपलोड करेंगे। और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।